आप सभी को नमस्कार। ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो लोग झारखंड में रहते हैं उनके लिए है, जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो खरीदारी करते हैं, जो बिक्री करते हैं, जो छठ पर मनाना की सोच रहे हैं या फिर कोचिंग सेंटर जाने की सोच रहे हैं या कोचिंग के संचालक हैं, उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। सो आप इसको ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। अब से थोड़ी ही देर पहले राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक खत्म हुई है, उसके बाद जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं बन्ना गुप्ता ने यह स्पष्ट कहा है कि जो झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन था, यानी रविवार को जो दुकानें बंद रहा करती थी, अब उनको छूट दे दी गई है। रविवार को भी दुकानें पहले की ही तरह खुली रहेंगी। साथ में जो दुकानें पहले 8 बजे रात में बंद हुआ करती थी, कोरोना काल से पहले जैसे वो खुली रहती थी वैसे ही खुलने की इजाज़त सरकार ने उन्हें दे दी है। मतलब दो बाजार को लेकर दो महत्वपूर्ण निर्णय, कि एक तो जो वीकेंड लॉकडाउन रविवार को जो बंदी रहा करता था अब उसको हटा लिया है, सरकार ने थोड़ी सी ढील दे दी है, और साथ में जो बाकी दिनों में 8 बजे शाम तक ही जो दुकानें खुली रहती थी उसमें भी सरकार ने छूट दे दी है। तो कोरोना काल से पहले जिस तरीके से दुकानें खुली रहती थी वो खुली रहेंगी। इसके अलावा छठ पर्व जो मनाते हैं या छठ पर्व जो मनाने की सोच रहे हैं उनके लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने हालांकि अपील किया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में ही छठ पर्व को मनाएं, लेकिन घाट पर या जलाशय पर जाने की मनाही नहीं रहेगी। यानी अब आप घाट पर भी जाकर जलाशय में भी जाकर पहले की तरह छठ पर्व मना सकते हैं, सरकार ने इसकी इजाज़त दे दी है। कोरोना जो को लेकर जो गाइडलाइन जारी हुआ था और आज जो आपदा प्रबंधन की बैठक हुई है उसको उसमें ढील दे दी गई है। उसके अलावा जो कोचिंग सेंटर पहले जो चला करते थे जिसमें ये तय था कि 18 साल से ऊपर वाले ही व्यक्ति जा सकते हैं पढ़ाई करने, उसमें भी राज्य सरकार ने ढील दे दी है। अब राज्य सरकार ने कहा है कि 10th 11th और 12th के वो बच्चे जिनका उम्र 18 साल से भी कम होगा वो भी जा सकते हैं कोचिंग में, मतलब कोचिंग शुरू कर सकते हैं और कोचिंग की पढ़ाई हो सकती है। साथ ही राज्य सरकार ने एक अहम फैसला और भी लिया है कि जो राज्य में स्टेडियम हैं उस स्टेडियम में 50% कैपेसिटी के साथ दर्शक भी आ सकते हैं। मतलब जो राजधानी रांची में क्रिकेट मैच का आयोजन होने वाला था उसमें दर्शकों की अनुमति थी या नहीं थी इसको लेकर बहुत संशय बना हुआ था, दर्शक सोच रहे थे टिकट कैसे मिलेगा। तो आपको बता दें कि जो JCA स्टेडियम है उसका 50% जो कैपेसिटी होगा वहाँ दर्शक बैठ सकते हैं 50% कैपेसिटी तक। और इनके अलावा जो छोटे स्टेडियम होंगे वहाँ पर भी ये फार्मूला लागू रहेगा, 50% दर्शक का जो कैपेसिटी होगा उसके साथ मैच का आयोजन किया जा सकता है। इनके अलावा राज्य में जो स्विमिंग पूल है जहाँ पे आपके NCC कैडेट स्पोर्ट्समैन ये सब भाग लेते हैं, तो वो अगर डबल वैक्सीनेटेड होंगे तो उस स्विमिंग पूल को भी खोला जाएगा और उसमें वो पार्टिसिपेट या ट्रेनिंग कर सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं, उनको भी इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी जो है राज्य के वो भी खुले रहेंगे, लेकिन उन आंगनबाड़ी संचालिकाओं को कम से कम डबल वैक्सीनेटेड होना चाहिए तभी वहाँ पर वो काम होगा। ये सारी जो छूट है अभी अब से थोड़ी देर पहले राज्य में जो आपदा प्रबंधन की बैठक हुई है उसके तहत दिया गया है। तो व्यापारी झारखंड के जो लगातार मांग कर रहे थे, कांग्रेस के भी तरफ से मांग उठी थी कि जो वीकेंड लॉकडाउन है उसको ख़त्म कर दिया जाए, 8 बजे तक का बाजार जो है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि राज्य में धनतेरस दीपावली छठ को लेकर बहुत सारी खरीदारी होती है। तो सरकार ने उन बातों को मानते हुए आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद ये फैसला सुनाया है कि उन सारे नियमों में थोड़ी ढील दे दी गई है। अब बाजार पहले की ही भांति खुले रहेंगे, जो दुकानें मान लीजिए पहले 10 बजे रात तक खुली रहती थी उस समय तक खुली रहेंगी। इसके अलावा रविवार को बंदी नहीं होगा, अब जो चाहे रविवार को दुकान खोल सकता है। और छठ पूजा को लेकर भी जो घाट और जलाशय हैं वहाँ पे भी लोग जाकर छठ पूजा मना सकते हैं। हालांकि जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उन्होंने लोगों से आम लोगों से अपील की है ये ज़्यादा बेहतर होगा कि घरों में रहकर बनाए, सरकार का ऐसा रिक्वेस्ट है। इन सब के अलावा कई ऐसे जो पहले गाइडलाइन के तहत पाबंदियाँ थी उसमें भी छूट दी गई है।
थोड़े देर के बाद पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, फिर हम आपको उससे मुखातिब होंगे। लेकिन जो कोचिंग संचालक हैं, जो पहले था कि कोचिंग में सिर्फ 18 साल से अधिक उम्र के बच्चे ही पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें भी अब छूट दे दी गई है। क्लास 10th 11th 12th के बच्चे जा सकते हैं, वो चाहे किसी भी उम्र के हों। आंगनबाड़ी में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो संचालन कर रही हैं उनको कम से कम डबल वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा तो वो आंगनबाड़ी का संचालन कर सकती है। इस तरह की तमाम चीज़ें दी गई हैं। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी खबर, जो रांची में आकर एक बार फिर से मैच देखना चाह रहे थे, तो JCA स्टेडियम या कोई भी स्टेडियम जिसमें खेल का आयोजन होगा वहाँ 50% दर्शक भी अब रह सकते हैं खिलाड़ियों के अलावा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शेयर करनी थी आपसे। आप इस इंफॉर्मेशन को और लोगों तक पहुँचाइए, और कोई सुझाव हो तो उसको आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। शुक्रिया।